अभी तक वसई विरार महानगर पालिका, जैसे इन्होंने बताया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते आइए, शासन भारत सरकार के आदेश का उल्लंघन करते आइए, महाराष्ट्र शासन के आदेश का उल्लंघन करते आइए, क्या अब इसके बाद में वसई विरार महानगर पालिका उन शासन के आदेश के उल्लंघन जो कर रही थी उसके ऊपर काम करेगी, क्या अब उसमें अपना बदलाव करेगी? नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, इस समय हमारे साथ में फेरीवाला सामाजिक संस्था के अध्यक्ष वीरपाल कश्यप है। इनके पास कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे डाटा है, उनके बारे में इनसे जानकारी लेते हैं। और वसई विरार महानगर पालिका जो कानून का किस तरह से मखौल उड़ाती है वो भी ये इनकी ज़ुबानी आपको बताएंगे। ये खुद अपना इनका फेरे का धंधा है और फेरी वाला संस्था के अध्यक्ष है, एक फेरी वाला संस्था। फेरी वाले के लिए वसई विरार महानगर पालिका में क्या है, क्या होना चाहिए, क्या है और क्या नहीं है, उसके बारे में भी ये जानकारी देंगे। इन्होंने इसके ऊपर काफ़ी प्रयास किया है, लेकिन जैसा मैंने बोल रहा था, पहला विषय ये है कि कानून का किस तरह से मखौल उड़ाती है उसकी जानकारी हम लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार वीरपाल कश्यप जी, आपके हाथ में क्या पेपर है और क्या विषय है बताइए। विषय हमारा फेरी वालों के संदर्भ में है। हमने एक फेरी वालों के संदर्भ में 2019 में माहिती मांगा था वसई विरार महानगर पालिका से। माहिती में क्या था कि इनने एक एफिडेविट फाइल की थी हाई कोर्ट में, उसमें लिखा इनने दिखाया था कि 15,800 लीगल व इलीगल हमारे पास फेरी वाले हैं। इसकी हमने माहिती मांगा था कि भाई आपने 9 जनवरी 2017 को महाराष्ट्र शासन ने निर्णय दिया था, उस निर्णय अनुसार आपने फेरी वालों किधर किधर क्या क्या सुविधा की है, जैसे कि धोरण तैयार करना, फेरी वालों को मार्केट बना के धोरण तैयार करके उनको शिफ्टिंग करके उधर बिठाना, उनको फेरी वालों को सर्टिफिकेट देना, लाइसेंस देना, ये सब मैंने इनकी उसकी जानकारी मांगा था। परंतु वसई विरार महानगर पालिका के अधिकारियों ने, जन माहिती अधिकारी ने कोई सी माहिती नहीं दी। फिर हमने अपील की महानगर पालिका, लेकिन महानगर पालिका ने अपील का भी कोई ही उत्तर नहीं दिया। इसके बाद में हमने सेकंड अपील कोकण आयुक्त को की, जन माहिती अधिकारी कोकण आयुक्त को सेकंड अपील की। सेकंड अपील में हमारी एक सुनवाई लगी तो सुनवाई में हमने अपने पक्ष रखा साहब के सामने, तो उन्होंने पूरा पेपर देखा, पढ़ा और महानगर पालिका से उसके बारे में पूछा कि फर्स्ट अपील में क्या हुआ, तो फर्स्ट अपील का ये लोग कोई जवाब नहीं दे पाए उधर भी। और फिर उन्होंने क्या किया, एक पत्र दिया, लिखा, और पत्र में लिखा कि सबसे पहले नंबर इनका फर्स्ट अपील वसई विरार महानगर पालिका में लगनी चाहिए। मतलब ये अपने आप में एक ऐसा कैसे कि जिसमें राज्य माहिती आयोग इस तरह से आदेश दे रहा है कि प्रथम अपील फिर से लगना चाहिए वसई विरार महानगर पालिका में, फिर से लगना चाहिए। और जन माहिती अधिकारी को 25,000 रुपये की फाइन लगाया था, और उन्होंने ये भी पत्र में लिखा है कि अगर आपको वसई विरार महानगर पालिका से समाधान नहीं होता है तो हमारे दरवाजे फिर से खुले हैं। मतलब ये मामला जो है, हाँ, ये मामला अपने आप में एक ऐसा मामला है कि जिसमें राज्य माहिती आयोग की जो भूमिका है, हाँ, काफ़ी सराहनीय है, और किस तरह से हम कानून का पालन करवा सकते हैं, हाँ, ये उन्होंने इसमें दिखाया है। हाँ, वसई विरार महानगर पालिका को उन्होंने आदेश ये दिया है कि इनकी प्रथम अपील जो नहीं ली गई है उसको लिया जाए, उनकी बात को सुना जाए और उनको माहिती दी जाए। और फिर इसके बाद में आदेश में नीचे लिखा हुआ कि अगर वैसा नहीं किया जाता है, वो प्रथम अपील नहीं लगती है, तब आपके लिए फिर से दरवाजे खुले, फिर से आप सेकंड अपील में आ सकते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो चूक प्रथम अपीलीय अधिकारी ने की है उसको रोकने के लिए वहीं से आदेश एक माने में है, और ऊपर से उनके शास्ति का कुछ ऑर्डर 25,000 का फाइन लगाया शासकीय, जन माहिती अधिकारी को 25,000 का फाइन लगाया, और प्रथम अपील अधिकारी और प्रथम अपील अधिकारी को फाइन नहीं लगाया, जन माहिती अधिकारी को फाइन लगाया। नहीं, उसमें मैंने जो पढ़ा उसमें लिखा उन पर शासकीय कार्यवाही क्यों ना हो, हाँ, उनके खिलाफ शासकीय कार्यवाही जो होती है शिस्त भंग। अच्छा, ये जो पूरा मामला है, हाँ, जो फेरी वाला धोरण क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा बताइए। फेरी वाले धोरण के विषय में ऐसा होना चाहिए, सबसे पहले नंबर 13 सितंबर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर दिया था गवर्नमेंट को कि आप
फेरी वालों के लिए ही है, ऐसा ऐसा करो। उसका सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2014 में एक कानून बनाया था, स्ट्रीट वेंडर एक्ट। उस एक्ट के तहत पूरे नियम दिए थे। उसके बाद वही राज्य शासन को उसी नियमों के तहत 9 जनवरी 2017 को राज्य सरकार ने एक शासन निर्णय पास किया था। शासन निर्णय में उन्होंने लिखा था कि सबसे पहले नंबर आप एक फेरी वाला नियंत्रण रखने वाली कमेटी बनाओ, पथ जिसको बोलते हैं पथ विक्रेता एक्ट। और कमेटी बनाने के बाद में उन सब फेरी वालों के ऊपर निगरानी रखो, और उनके जैसे उन्होंने बताया कि एक पथ विक्रेता का एक ही धंधा कर सकता है, ज़्यादा नहीं कर सकता है, उसके पूरी फैमिली को नहीं दिया जा सकता। मैं आपकी बात बीच में काटूंगा। आपने भी जैसा बताया कि ये एक्ट में ऐसा बताया गया है कि एक फेरी वाला एक ही अपना धंधा कर सकता है, एक्चुअली ये है अपनी आजीविका चलाने का एक जरिया। लेकिन कहीं कहीं वसई विरार में ऐसी चीज़ें हैं, हमारे भी जानकारी में नाला सुपारा का एक उदाहरण है, वहाँ एक फेरी वाला जो है वो अपने अंडर में 10-15 गाड़ियाँ हैं, वहाँ पर आदमी को रखा हुआ बाकायदा, और उसके वो कमा रहा है। तो वो क्या लीगल है या उसको ये महानगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारियों का संरक्षण? इनको लीगल नहीं, इलीगल है वो, महानगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारियों को वो संरक्षण है। और संरक्षण को ही मैं एक हिसाब से वो तोड़ना चाह रहा हूँ उनका, जो गठबंधन। जैसे आज हम कोई पथ विक्रेता सिंगल गाड़ी लगाता है, उसका कांटा उठा के ले गए तो उसका कांटा लाने में 3 लग जाता है। लेकिन वही एजेंट की जो 10 गाड़ियां हैं उसका अगर कांटा उठ गया तो उसका माल पहुंचने से पहले उसका सामान आ जाता है। मतलब सीधा सीधा सर, इधर ये भ्रष्टाचार का मामला है, धन उगाही का मामला है। हाँ, धन उगाही का मामला है। इसके लिए मैं एक मैटर नाला सुपारा में मारामारी तक हुई थी धन उगाही के चक्कर में 2020 में। हाँ, उसमें एक चाकू हाँ चाकू वाला मैटर दिखाया गया था। लेकिन फिलहाल लेडीज के ऊपर एफआईआर होना चाहिए था नगर पालिका ऑफिसर के ऊपर। आपकी क्या मांग है? हमारी मांगे ये, सबसे पहले नंबर तो बसई विरार महानगर पालिका शासन निर्णय अनुसार धोरण तैयार करें। धोरण तैयार करने के बाद में उनको फेरी वालों को जैसे लॉटरी सिस्टम बाकड़े उनको दे, बाकड़े देने पर जो भी उनको मूलभूत सुविधा दी जाती है, जैसे लाइट हुआ, इलेक्ट्रिक हुई, पानी हुआ, सर्टिफिकेट हुआ, ये सब उनको देना चाहिए। इसीलिए तो जनमाती जो अपील आयुक्त साहब ने जो ऑर्डर लगाया उसका जो प्रथम अपील अधिकारी है, इनने सुनवाई 10 को रखा है। तो ये हम अभी बात कर रहे थे वीरपाल कश्यप जी से, इन्होंने पूरे मुद्दे के ऊपर बताया। इसमें थोड़ी जानकारी मैं और ये भी आपको दे देता हूँ कि वसई विरार में एक बड़ी समस्या है फेरी वाला। ऐसा कोई समस्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक का अपना आजीविका लगा हुआ है, पेट लगा हुआ है। लेकिन इसके पीछे बड़ा स्कैम है, इसके पीछे बड़े बड़े ये कहा जाए कि माफियाज है। वसई विरार में ऐसे भी मामले है जहाँ दिनी मार्केट जो अभी हम देख रहे हैं, दिनी मार्केट और साप्ताहिक बाज़ार, हालांकि साप्ताहिक बाज़ार कानून में कहीं पे भी नहीं है, लेकिन साप्ताहिक बाज़ार लगवाए जाते हैं, उसमें हजारों सैकड़ों रुपए की वसूली एक एक धंधों वाले से की जाती है, ऐसा भी मामला है। कई बार उसकी शिकायतें होती है, कंप्लेन होती है, लेकिन वसई विरार महानगर पालिका भ्रष्टाचार की चकाचौंध में इन सब बातों से परे सिर्फ और सिर्फ जनता को लूटने आंखें बंद करके बैठी हुई है। अब इन आपकी अगली सुनवाई के बाद में वसई विरार महानगर पालिका इस पर क्या एक निर्णय करती है? अभी तक वसई विरार महानगर पालिका जैसे इन्होंने बताया सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते आइए, शासन भारत सरकार के आदेश का उल्लंघन करते आइए, महाराष्ट्र शासन के आदेश का उल्लंघन करते आइए, क्या अब इसके बाद में वसई विरार महानगर पालिका उन शासन के आदेश के उल्लंघन जो कर दी थी उसके ऊपर काम करेगी? क्या अब उसमें अपना बदलाव करेगी? ये इन नए आयुक्त जो आए हैं इनसे हम इसी उम्मीद करते हैं कि ये अब जो करेंगे वो निर्णय शासन निर्णय के आधार पर करेंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। अभी के लिए इतना ही, विरार से यूसुफ अली। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।